स्टूडेंट वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस क्लासेस। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्लास 9 की केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें से लेसन एक पढ़ेंगे जो हमारा है या पार्ट एक है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस पास के पदार्थ, तो हम जानते हैं कि जैसे हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हम लोगों को ये पढ़ना है इसमें, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो बात करें चर्चा करेंगे वो बात करेंगे रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान जानते हैं विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें पदार्थ के गुणधर्म तथा संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कोई पदार्थ होगी तो उसकी क्या संरचना होगी या उसका कैसा स्वाद होगा या कैसा आकृत होगा या कैसे इनकी बात की जाए। या जैसे हम बात कर लिए कि जैसे हमने अम्ल ले लिया तो अम्ल क्या होता है, जैसे हमने बात किया कि अम्ल होता है एक भी अम्ल एक, तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल एक पदार्थ है लेकिन जो खट्टापन है उसका एक प्राकृत है, तो इस प्रकार की। और जैसे बात किया जाए नमक या कलवात कर लिया जाए, तो नमक की एक क्रिस्टलीय पदार्थ होती है जिसकी संरचना हम देखते हैं कि ये एक क्रिस्टलीय संरचना को प्रदर्शित करता है। तो ये जो इस प्रकार की सारी संरचनाएँ होती है, तो नमक की संरचना या बाल या कि यहाँ पर एन ए सी एल होगा, यहाँ पर एन ए तो यहाँ सी एल या एन ए प्लस सी एल, तो इस प्रकार की सारी ये संरचनाओं को भी प्रदर्शित करेगा। उसके बाद जैसे बात किया जाए चीनी की बात किया जाए, तो चीनी एक होता है क्रिस्टलीय पदार्थ है जो उसका मीठ और जो उसका स्वाद, मान लीजिए चीनी का स्वाद मीठा होता है तो जो मीठापन है उसका एक क्या है पदार्थ का गुण है। तो जो इस प्रकार के सारे पदार्थों के हम लोग गुणधर्म के उनके स्वाद या आकार आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे आसपास के पदार्थ हैं, तो बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ क्या होता है? जैसे ये पदार्थ की बात की जाए कि ये बोर्ड है तो बोर्ड एक पदार्थ है, या पेन है तो एक पेन एक पदार्थ है, या मान लीजिए ये हमारा एक मकान या पूरी संरचना है तो इनकी संरचना या आकृति एक पदार्थों से मिलकर इस भी संरचनाओं का निर्माण होता है। जैसे हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं जो इस सब प्रकार का क्या है पदार्थ होते हैं। अब बात करें कि पदार्थ क्या होती है, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं जिसकी इंग्लिश क्या होती है मैटर होती है मैटर। तो बात करें कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ या हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ वह वस्तु होती है कि जिसमें भार होगा या भार होती है और स्थान घेरती है, वह वस्तु क्या कहलाती है पदार्थ कहलाती है। तो इसमें भार होता है और क्या होती है स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु जिसमें भार होता है और स्थान घेरती है वह क्या कहलाएगी हमारा पदार्थ कहलाएगी। ठीक है, अब पदार्थ के बीच जो बात करें पदार्थ कहलाएगी, पदार्थ में कुछ अवयवी कण होते हैं, उन अवयवी कणों के बीच में कुल कुछ रिक्त स्थान होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रिक्त स्थान होते हैं। जो पदार्थ होते हैं वह क्या होते हैं हमारे असंपीड होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो बात करें पदार्थ में जो अवयवी कण होते हैं, जिनके अवयवी कणों के बीच छोटे छोटे अवयवी कणों से जो पदार्थों का निर्माण होता है, वो अवयवी कण निरंतर जो ये कण हैं ये सब कण पदार्थ के निरंतर क्या होते हैं गतिशील रहते हैं। उसके बाद जो बात किया गया पदार्थ के जो कण होते हैं गतिशील रहने के साथ साथ जो ये पदार्थ के कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये सारी पदार्थ के गुणधर्म है, क्या है पदार्थ इस सभी प्रकार के गुणधर्म को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पदार्थ के प्रकार की, पदार्थ के प्रकार कितने प्रकार होते हैं। तो पदार्थ की प्रकार की बात करें तो यहां पर पदार्थ दो प्रकार का होगा, एक हमारा होगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है क्या होता है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, तो शुद्ध पदार्थ क्या बात करें तो शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है कि जिनमें अवयवी कण एक ही प्रकार के होते हैं, या जिसमें अवयवी कण सभी जो अवयवी कण होंगे या परमाणु होंगे या अणु होंगे या आयन होंगे जो होंगे वो एक ही प्रकार के होंगे। तो जो ऐसे पदार्थ होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे शुद्ध प्रकार होते हैं। इसमें अवयवी कण समान होते हैं, या बात करें अवयवी कण समान होते हैं, समान होते हैं, जैसे लोहा सोना चांदी आदि। तो जो अवयवी कण होंगे वो क्या होते हैं समान होते हैं। बात की गई अवयवी कण की, तो अवयवी कण क्या होता है, अवयवी कण हमारा क्या हो सकता है परमाणु हो सकता है
अणु हो सकता है और क्या हो सकता है, आयन हो सकता है। तो जो अणु परमाणु आयन होंगे या एक ही प्रकार के होंगे, तो जो ऐसे पदार्थ होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे, जैसे लोहा सोना चांदी और आदि। बात करें अशुद्ध पदार्थ की, तो अशुद्ध पदार्थ क्या होगा, उसमें अवयवीकरण हमारा समान नहीं होता है, अर्थात इसमें जो क्या होता है, अवयवीकरण भिन्न भिन्न होते हैं। अशुद्ध अशुद्ध पदार्थ में अवयवीकरण भिन्न भिन्न होते हैं। अवयवीकरण में जो होंगे उसमें पदार्थ जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे। इनकी बात की जाए उदाहरण की, जैसे मान लिया जाए वायु, मिट्टी, ये सब हमारे क्या हैं, अशुद्ध पदार्थ होंगे जिनमें अवयवीकरण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद बात करेंगे पदार्थ के प्रकार की, कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के प्रकार की बात की जाए, तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थ के प्रकार, तो पदार्थ की जो प्रकार की बात की जाए, पदार्थ के प्रकार टोटल तीन प्रकार के होते हैं। टोटल तीन प्रकार होते होते हैं, जिसमें से दो प्रकार और वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो पदार्थ के तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठोस अवस्था नंबर एक, दूसरा द्रवावस्था, नंबर तीन गैस अवस्था, जिसमें से दो और होंगे जो वैज्ञानिकों ने बढ़ा दिया है। इसमें से एक हमारा है प्लाज्मा और दूसरा है आइंस्टीन कंडेंसेट, आइंस्टीन बोस कंडेंसेट। तो ये हमारे सब क्या है, अवयवीकरण होंगे। तो हम जिसमें से चर्चा करते हैं सर्वप्रथम कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं। ठोस की बात की जाए, किसकी, पदार्थ की ठोस अवस्था की बात करेंगे। ठोस अवस्था की ठोस अवस्था में जैसे ईटा, ईट, पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि, ये सब हमारे क्या होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं। इनके गुणधर्म की बात की जाए, जो ठोस पदार्थ के गुण की बात की जाए, तो इनका गुण सर्वप्रथम क्या होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरे नंबर की बात की जाए, तो इनके या ठोस के परमाणु या अवयवीकरण परबल अंतरा अणुक बल द्वारा बंधे बंधे होते हैं। तीसरी बात किया जाए, इसमें जो भी कणों का घनत्व तो अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, इसमें विसरण बहुत कम होता है। इसमें जो गैस के कण होते हैं, या मतलब गैस नहीं, जिसमें बात की जाए, जो विसरण की बात की गई, जिसमें अवयवीकरण होते हैं, उस अवयवीकरणों में गति करने की क्षमता बहुत कम होती है, अर्थात या विसरण करने की क्षमता बहुत, अर्थात जो फैलाव होता है वो गति करने में बहुत कम क्या होते हैं, असम होते हैं, क्योंकि वो बहुत पास पास, जैसे ये संरचना की बात की गई, ये बहुत पास पास होते, ये अपने मध्य बिंदु के इधर केवल थोड़ा सा केवल कंपन कर सकते हैं, लेकिन अपने फिर पुनः अपने मूल स्थान पर वापस
आ सकते हैं। तो ये जो सारे नेचर या प्रदर्शित करेंगे, ये सारे गुण हमारे ठोस पदार्थ क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जो पढ़ना पढ़ेंगे, द्रव्य पदार्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की द्रवावस्था की बात करेंगे। द्रवावस्था के, ठीक है, तो पदार्थ की एकदम द्रवावस्था की बात करें तो द्रव जैसे हमारा क्या होता है, जल, तेल, दूध आदि, जैसे हमारे क्या है, द्रवावस्था के पदार्थ हैं, या इनको हम तरल पदार्थ भी कह सकते हैं। इनके गुण की बात करें कि जो हमारे द्रव पदार्थ होता है या उनका गुण किस किस प्रकार का होता है या किस प्रकार के ये लोग गुण को प्रदर्शित करते हैं, तो जो इनकी गुण की बात की जाए तो इनका आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, ठीक है। और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि इसको जिस प्रकार यह मान लिया जाए, इसको आयतन की बात की जाए, तो ये मान लीजिए हमारा 1 लीटर का बॉटल है या 1 लीटर का बॉटल है, तो इसमें 1 ही लीटर पानी आ सकता है। इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें 1 लीटर ही हम पानी को क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। लेकिन जैसे इस 1 लीटर पानी को इस टब में हम जैसे मान लीजिए टब में डालते हैं, तो ये पूरे 1 लीटर या इतने बड़े टब में क्या होता है, जितनी इसकी पानी के मिश्रण की गति करने की उनकी क्षमता होती है मिश्रण की, उतने स्थान को क्या कर लेता है या आकार को छका लेता है। तो इसीलिए इसका क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या होता है, जो हमारे जल का क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरी बात बात करते हैं, इसमें आकर्षण बल कम पाया जाता है, जिसमें अणु के बीच के या आकर्षण बल, तो इसमें जो गत होते हैं अणुओं के बीच, वो आकर्षण बल क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, आकर्षण बल कम पाया जाता है। इसमें जो बल कार्य करता है एक दूसरे के अणुओं के बीच में, वो अंडरवाल्स बल कार्य करता है, जो एक दुर्बल बल होता है। तीसरे बात करें विसरण की, विसरण होता है गैस से, विसरण गैस से कम और ठोस से अधिक होता है, ठीक है। जिसमें विसरण किया जाए, अणुओं की विसरण की बात की जाए या गत करने की बात की जाएगी, तो जो इसके जो द्रव पदार्थ होंगे उनके जो आयवीकरण होंगे, वो जो विसरण करेंगे तो गैस से कम होगा, लेकिन ठोस से क्या करते हैं, अधिक करते हैं। इसीलिए जिस पात्र में रखा जाता है उसका स्थान ये लोग चल के क्या कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तीसरे बात की जो बात की जाएगा घनत्व की, तो इसका घनत्व भी क्या होता है, कम होता है। जिसमें घनत्व की बात की जाए तो घनत्व बहुत या घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई गैस, ये द्रव की। उसके बाद हम बात करेंगे गैस अवस्था की, गैस की गैस अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था की बात करेंगे। तो गैस क्या होता है, गैस अवस्था की बात की जाए तो गैस अवस्था की बात किया जाए कि गैस क्या होता है। तो गैस हम देखते हैं कि हवा हमारा क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक गैस है। अब गैस के गुण की बात करेंगे कि गैस का गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गैस के पदार्थ होंगे, गैस का आकार और आयतन अनिश्चित होता है, आकार और आयतन अनिश्चित होता है। जो गैस का आयतन और आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, या गैस के कण होंगे, जो इनके आयवीकरण होंगे गैस के, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं और गति करने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो इसकी बात क्या हुए करें, गैस के
अवयवी कण पूर्ण रूप से गति करने में स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद बात किया जाए विसरण की तो गैसों में विसरण सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि जो गैस के अवयवी कण है वो पूर्ण रूप से गत करने में स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम ये कमरे में कहीं अगरबत्ती या कोई सेंट छिड़कते हैं इत्र को, तो उसकी जो सुगंध होती है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी कारण जो उसकी विसरण की क्षमता गैस की वो क्या होती है, बहुत अधिक होती है। बात करें घनत्व की घनत्व बहुत कम पाया जाता है। तो ये जो पाठ्य हम लोगों के गैस के बारे में पढ़ा गया कि गैस क्या है, तो पदार्थ के प्रकार के बारे में हो गए। अगले जो टॉपिक में हम पढ़ेंगे पदार्थ की कुछ भौतिक प्रावृत्ति होगी, उस प्रावृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।